रेजिमेंट्स दिल्ली वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपके सामने हमारे कुछ साथी ने अपने विचार रख दिए हैं। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। पहली बात तो ये मीटिंग संयुक्त रूप से बुलाकर और जो आंदोलन की रूपरेखा संयुक्त रूप से रखने का प्रयास किया गया है, मैं उसका भारती जी को बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे सहारनपुर में जो साथी ब्रूटली जिनकी हत्या हुई है उन पर मैं शहादत पर मैं उन पर नमन करना चाहता हूँ। मैं दो बातें सिर्फ कहूँगा। पहली बात ये है कि आज़ादी के 72 साल बीत गए और समाज में सामाजिक असमानता अभी बनी हुई है, और इन 70 सालों में दलितों पर, गरीबों पर, पिछड़ों पर किसी न किसी तरह से उत्पीड़न दमन होता चला आ रहा है, ये चल रहा था। लेकिन हम सिर्फ सामाजिक असमानता के खिलाफ अब लड़ाई का मामला आगे बढ़ गया है कि 2014 में जो सरकार सत्ता में आई है वो जो हमें अधिकार मिले हुए थे संघर्षों के माध्यम से, बाबा भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से, वो सारे के सारे छीने। अब दोहरी लड़ाई हमारी है। हमें जो सुविधाएं दे रही स्पेशल कंपोनेंट प्लांट, जो हमारी हमारे साथ हमारे लिए जो बजट निर्धारित होता था वो 16.6 से घट करके 6 आ गए। जहां तक ये है, और अभी हम लोग जहां तक DSMM पर सवाल है, दलित संघ दिल्ली का सवाल है, हमारा संगठन यहां पर जहां भी दलितों पर किसी तरह का कोई हमला हुआ, चाहे वो सहारनपुर में हो, चाहे वो सबीरपुर में हो, चाहे वो ऊना में हो, हमने यहाँ से संगठन के माध्यम से, चाहे हम कमी हैं लेकिन हमने आंदोलन किया। एक अच्छी बात है कि हमें दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारी असमानता को खत्म करने के लिए एकता जरूरी है, और हमें जो मिला हुआ था बाबा भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से, जो हमसे छीना जा रहा है, उसकी भी लड़ाई हमको जोड़ के लड़नी। और अभी सिर्फ मैं ये कहूँगा कि उन लोगों को भी हमारे साथी इशारा कर चुके हैं कि जिन लोगों ने दलितों के घरों में झुग्गियों में दिया जलाने का फैसला लेकर चले थे, दलितों के अपने साथ इसी बात पर इकट्ठा किया, बड़े अफसोस की बात है कि आज वही मनुवादी वर्ण व्यवस्था के पोषक के साथ मिलकर मलाई चाटने में लगे। तो हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा कि जो लोग आते हैं, अभी किसी साथी ने कहा कि राजनीतिक रूप से हमें दूर, बिल्कुल ठीक है, अगर सिर्फ कोई राजनीति करने आ रहा है, हमको अपने राजनीति के लिए यूज कर रहा है, तो अब तो हमको सोच समझ करके ही कुछ करना पड़ेगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि हमें, अभी हमारे साथी ने कहा यूथ हैं, खून गर्म है, अच्छी बात है, लेकिन अभी हमारी लड़ाई, अभी हम डेमोक्रेटिक तरीके से जो हमारे इस संविधान में जो कुछ हमें अधिकार दिए हैं उनको लेकर ही हमने लड़ना नहीं सीखा। इसलिए मैं कहूँगा कि अब 20 तारीख का जो प्रोग्राम है, हम दिल्ली में दलित शोषण मुक्ति मंच की तरफ से इसको सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, आगे आंदोलनों में भी हम आपका साथ देंगे। अभी 2 अप्रैल के भारत बंद, जो कि SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट को कमज़ोर करने की वजह से हमारे दलित भाइयों पे अत्याचार बढ़े हैं, उसको लेके, या अभी लेटेस्ट जो 9 मई का सचिन वालिया की पर हमला है और उनका मर्डर है, इसमें मेरा व्यक्तिगत विचार है, शायद आप सहमत हो या ना हो, कि इवन संविधान में
और जो भारतीय गवर्नमेंट के अन्य वो है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो जुडिशरी है, इन सब में एक वर्ग का मोनोपोली है और 90% का को अधिकार ही प्राप्त नहीं है, उनसे सौतेला व्यवहार होता है। और जैसे मैंने कहा कि मेरे व्यक्तिगत विचारों में ये मानना है मुझे कि इन सब के पीछे दबाव में किया गया पूना पैक्ट है, जड़ है। और अगर हमें इन सब से निजात पानी है तो हमें फिर से पृथक निर्वाचन और दोहरे मताधिकार की मांग उठानी होगी। वी हैव नो अदर ऑप्शंस कि अगर आप इस चीज को इग्नोर करोगे, पृथक निर्वाचन और दोहरे मताधिकार को, हम अपनी जिंदगी में बराबरी नहीं ले पाए और हो सकता है हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी बराबरी ना ले पाए। तो संघर्ष के अंदर, अपने संघर्ष में, मेरा साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने संघर्ष में पृथक निर्वाचन और दोहरे मताधिकार को भी एजेंडे में रखा जाए, चाहे वो पीछे रखा जाए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, धन्यवाद। बेमुल्ला हत्याकांड, बलात्कार, बेगारी से इनकार करने पर हत्या या नंगा घुमाया जाना, दूल्हों को घोड़ी पर चढ़ने से मना कर देना, तो चंद्रशेखर जैसे हक की लड़ाई लड़ने वालों को रासुका जैसे केस में उलझाना और सचिन वालिया की हत्या हम लोग समाज का मनोबल तोड़ने के लिए की जा रही हत्या हैं। भीमा कोरेकांड, मूछ रखने पर दलित की हत्या या नंगा घुमाया जाना, जबरन मलमूत्र पिलाना, दलित महिलाओं को नंगा घुमाना जैसे कांड दलितों की डिग्निटी को और मॉरल को डाउन करने के लिए ये सारे कांड किए जा रहे हैं। दलित अब अपना हक लेना सीख गया है, जो सवर्णों की आंख की किरकिरी बनता जा रहा है। यह लड़ाई हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है और हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है, हमारे नौजवानों के भविष्य की लड़ाई है। यह लड़ाई किसी एक वर्ग, जाति या किसी समाज की नहीं, यह लड़ाई हमारे दबे पिछड़े शोषित समाज की लड़ाई है। आंदोलन सीमित क्षेत्र या सीमित समय के लिए नहीं होता, आंदोलन लंबे समय तक चलता है रहता है, जिसमें हमारे 80% है। अगर 80% में से हमारे 40% जब समाज के लोग भी अगर निकल आते हैं तो आंदोलन की सफलता निश्चित है, लेकिन हमारे समाज के लोग निकलते नहीं हैं और उंगलियां उठाते हैं समाज पे, आंदोलन करने वालों पे। जब तक हमारा समाज एक नहीं होगा, इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हमारी लड़ाई सफल नहीं होगी, क्योंकि बाबा साहब की लड़ाई में 75% महिलाएं थी और हम अपनी महिलाओं को घरों से नहीं निकालते हैं। जब तक हमारी महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे समाज के आंदोलन सफलता की तरफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आंदोलन करने के लिए तन मन धन घर परिवार रिश्ते नाते सभी को त्यागना पड़ता है, और यह है कि सब लोग नहीं कर सकते हैं। जो अपना मनोबल समाज के प्रति समर्पित करते हैं, जो अपना सम्मान समाज के प्रति समर्पित करते हैं, वही लोग समाज के लिए पूरे तन मन धन से समर्पित होते हैं। तो उंगलियां उठाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन उंगलियों की तरफ अपने ये नहीं देखते हैं कि भी हम कितना समाज के लिए काम कर रहे हैं और हमें कितना आंदोलन करना चाहिए और कितना समर्पित हमें अपना समर्पण देना चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि 80% हमारे समाज की आबादी है, उसमें से कम 40% नहीं, 20% नहीं, कम से कम 10% तो निकलें। हम सरकार तक अपनी आवाज़ तभी पहुंचा सकते हैं जब तक हम इकट्ठे होंगे, और हम इतनी सारी संस्थाओं में हम 100-100 लोग भी लेके आए तो हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हमारा 2 अप्रैल का आंदोलन इसीलिए सफल हुआ था, और आंदोलन कोई एक समय तक सीमित नहीं रहता, आंदोलन लंबे समय तक चलता है। हमें अपने अधिकार, बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी 50 साल तक लड़ी थी, और 2500 साल हो गए हमें इन आंदोलनों के लिए, और हम चाहते हैं कि भी हमारा आंदोलन 2 अप्रैल की लड़ाई से सफल हो जाए, तो वो नहीं हो सकता है। हमें तन मन धन से समर्पित करना पड़ेगा, और अपने जो आंदोलनकारी भाई हैं उन्हें हमें अपना पूरा सहयोग देना पड़ेगा। हम उंगली उठा के हम आंदोलन की सफलता के तरफ उंगली नहीं उठा सकते हैं। जय भीम, रवि सत्य।